नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर। एंकर पर्सन शाहजेब खान ज़ादा ने कई सवालात उठा दिए। एंकर पर्सन शाहजेब खान ज़ादा ने कहा कि पहले नून लीग कह रही थी नवाज शरीफ मुहिम चलाने के लिए आएंगे, लेकिन अब लग रहा है वो खुद वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए आए हैं। अपीलें बाहर हो चुकी हैं, हो सकता है सजाएं कालादम हो जाएं। एंकर पर्सन ने कहा कि कैप्टन सफदर और मरियम बरी हो चुके हैं, नवाज शरीफ की अपीलें लगेंगी और वो भी बरी हो जाएंगे। वीडियो सबूत मौजूद हैं कि नवाज शरीफ के केस को किस तरह मैनेज किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2018 से पहले तेजी से हुआ, अब सब कुछ तेजी से रिवर्स हो रहा है। नैब ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इसकी तराफी नहीं हो सकती। एहतसाब कभी मकसद था ही नहीं। जस्टिस जावेद इकबाल जैसे लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ना 90 की दहाई में एहतसाब हुआ, ना जनरल मुशर्रफ ने नैब को एहतसाब के लिए बनाया। एहतसाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। पानामा में 450 में से सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन लिया गया। करप्शन का नारा और एहतसाब का नारा सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लगा। एहतसाब करना है तो सवालात बहुत उठते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस भी वैसे ही हल होगा जैसे आज नवाज शरीफ के हो रहे हैं। डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा।